हेलो दोस्तों, मैं आपको पृथ्वी के अंदर में मतलब अर्थ के अंदर में क्या क्या है उसके बारे में बता रहा हूँ, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हम लोग का पूरा अर्थ पृथ्वी है। इसका जो ये बनाए हैं ये क्रस्ट है, क्रस्ट। और इसका मोटाई जो है क्रस्ट का वो 60 से 100 किलोमीटर तक है। मतलब कहीं कहीं तो समुद्र में 5 किलोमीटर का ही सिर्फ मोटाई है क्रस्ट में, और कहीं कहीं जैसे पहाड़ी एरिया है तो वहाँ 100 किलोमीटर तक है। इसके अंदर में आता है फिर मेंटल। ये थोड़ा और पतला कर देता हूँ। इसके अंदर में ये जो है ये है मेंटल। इनका जो मोटाई है 2900 किलोमीटर है। और ये अंदर में जो बचा ये है कोर। इसका जो मोटाई है वो 3400 किलोमीटर है। मतलब ये क्रस्ट है जिसका मोटाई आप बताए 100 किलोमीटर लगभग, ये मेंटल है इसका 2900 किलोमीटर, ये कोर है इसका जो मोटाई है तो ये 3400 किलोमीटर है। अब टोटल जो देखेंगे तो ये 6400 किलोमीटर है। मतलब पृथ्वी में मतलब अर्थ में अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये कितना किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर। और फिर 6400 किलोमीटर और जोड़ेंगे तो ये 6400 किलोमीटर का अगर दो पाइप ऐसे जोड़ के अगर पृथ्वी में इधर से गलाएंगे तो दूसरा कंट्री में वो बाहर निकल जाएगा। तो समझ में आया होगा दोस्तों। और दूसरी चीज़ एक देखते हैं, अब ये जो है इसको फिर से डिवाइड किया गया है, क्रस्ट को एक आउटर भाग में डिवाइड किया गया है और एक इनर भाग में। तो आउटर भाग में जो है पाया जाता है सियाल। सियाल मतलब सिलिका एंड अल्मोनियम, सिलिका और अल्मोनियम। और इन अंदर वाला भाग जो है इसमें पाया जाता है सीमा। सीमा होता है सिलिका और मैग्नीशियम। सीमा जो पाया जाता है यहाँ से यहाँ तक इस पूरे में सीमा पाया जाता है, और इसमें सियाल सिलिका और अल्मोनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए नाम इसको सियाल भी कहा है। और इसमें जो पाया जाता है अंदर में कोर में इसमें पाया जाता है नीफे, निकेल और फेरम। फेरम मतलब लोहा का लेटिन नेम है, वो है निकेल और फेरम। तो इसमें जो बाहर वाला आउटर भाग में सियाल पाया जाता है अल्मोनियम, सिलिका और अल्मोनियम। लेकिन एक चीज़ और देखते हैं, बाहर में जो लोहा से ज़्यादा अल्मोनियम पाया जाता है, लेकिन अल्मोनियम का कॉस्ट ज़्यादा है लोहा से। पता है आपको क्यों? क्योंकि अल्मोनियम का प्रोसेसिंग ज़्यादा होने के कारण लोहा से ज़्यादा कॉस्ट है, प्रोसेसिंग ज़्यादा, लेकिन लोहा कम है अल्मोनियम से, लेकिन प्रोसेसिंग कम है लोहा का, इसलिए कॉस्ट कम है। अब ये देखते हैं कि पृथ्वी में हम लोग देखते हैं कि ऐसे है जैसे कहीं सब यहाँ पहाड़ है, कहीं फिर यहाँ जैसे गड्ढा है और ये जैसे मैदान भाग है। तो पता है ऐसा कहीं ऊपर कहीं नीचे, जो ऊपर हो गया और जो नीचे हो गया, कहीं समुद्र बना कहीं समुद्र नहीं है, जैसे महादेश है कहीं महासागर है। पता है ऐसा क्यों? ऐसा बताया जाता है कि 4.6 बिलियन एयर साल पहले, मतलब लगभग 4.5 4.4 करोड़ 4.5 अरब साल पहले जो दुनिया बना था, तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा था वो नीचे गया, जिसका डेंसिटी कम था वो ऊपर गया। जो भी जैसे महादेश है उसका डेंसिटी कम है इसलिए वो ऊपर गया, और जिसका डेंसिटी हाई था ज़्यादा था वो नीचे गया। अब किसी को अगर डेंसिटी समझ में नहीं आया तो वो मैं बता रहा हूँ, जैसे बॉडी का डेंसिटी माथा का सर का डेंसिटी से कम होता है, इसीलिए आप देखेंगे कभी भी अगर पानी में आप नहाते होंगे, आप अगर बॉडी को छोड़ दीजिएगा तो आपका भस के ऊपर हो जाइएगा लेकिन आपका सर डूबा हुआ रहेगा, क्योंकि बॉडी का डेंसिटी सर का पानी का डेंसिटी से कम होता है इसलिए भसता है, लेकिन ये सर इसमें जो माथा में तो सिर्फ हड्डी होता है, इसलिए पानी का डेंसिटी से माथा का डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण डूबा हुआ होता है। और भी डेंसिटी से अगर समझ में नहीं आया तो और एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ,
जैसे जैसे आप सरसों तेल लेते हैं, 1 लीटर अगर सरसों तेल लीजिएगा तो 910 ग्राम होता है, लेकिन 1 लीटर अगर शहद लीजिएगा तो 2500 ग्राम होता है। मतलब 1 लीटर शहद 2 किलो से ज़्यादा होता है, लेकिन 1 लीटर अगर आप सरसों तेल लेते हैं तो 1 किलो से भी कम होता है। तो ये डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण, लीटर तो वही है उतना ही है, लेकिन डेंसिटी ज़्यादा या कम होने के कारण चेंज होता है। तो यहाँ हम बता रहे थे कि जिसका डेंसिटी ज़्यादा है तो वो नीचे हो गया, मतलब समुद्र बना, जिसका डेंसिटी कम है वो ऊपर हुआ। लेकिन अगर पूरे पृथ्वी में सबसे ऊंचा कोई जगह है तो वो है माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई कितना है? ऊंचाई में बता रहा हूँ 8,850 ये मीटर है। और सबसे गड्ढा अगर दुनिया में कहीं जगह है तो वो है मेरीना ट्रेंच, और उसका गहराई कितना है तो 1134 ये दोस्तों मीटर है, किलोमीटर नहीं है। अगर किलोमीटर देखिएगा तो आठ लगभग 9 किलोमीटर है, और ये लगभग 11 किलोमीटर है। सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, सबसे गड्ढा है मेरीना ट्रेंच। और लेकिन एक और फैक्ट बता देता हूँ, जितना पृथ्वी में हिमालय पहाड़ में जो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊँचाई है, और सेकेंड में अगर देखिएगा तो वो है इंडिया का आता है K2। पूरे दुनिया में K2 आता है, लेकिन इंडिया का सबसे ऊंचा अगर देखिएगा तो वो K2 है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं नेपाल में है। और दूसरी बात एक चीज़ और बता रहा हूँ, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा पहाड़ जो आपको, जैसे पहाड़ या चोटी आपको मिलेगा, वो चांद पे है, इससे कहीं ज़्यादा, वहाँ 11 वाला है। लेकिन अगर उससे भी, चांद से भी अगर बड़ा देखना चाहते हैं तो वो है मार्स में है। और इसमें और एक फैक्ट बताता हूँ, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया, अगर आपके पास वीडियो आया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो एक्सपर्ट